बागेश्वर जिला मुख्यालय में शनिवार देर रात रीमा से हल्द्वानी जा रहा एक ट्रक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में ट्रक चालक को गंभीर चोटें आई हैं। चिकित्सक के मुताबिक हादसे के समय चालक नशे में था। बता दें, बागेश्वर पिंडारी ग्लेशियर मोटर मार्ग हादसों के तौर पर पहचान बनाता जा रहा है। इस सड़क पर रात को खड़िया से लदे ट्रकों की अनियंत्रित गति लोगों के जान की आफत बने हुए है। कई बार ये ट्रक सड़क के किनारे कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर चुके हैं। वहीं शनिवार देर रात भी एक हादसा हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कपकोट तहसील के रीमा क्षेत्र से हल्द्वानी जा रहे खड़िया से लदे ट्रक ने जिला अस्पताल के पास खड़े एक डंपर को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद डंपर के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि खड़िया से लदा ट्रक सीधे सरयू नदी में जा गिरा। गाय को बचाने के चक्कर एकदम अचानक आ गाड़ी क्या करता एकदम ब्रेक मारे गाड़ी रुकी नहीं, एक तरफ वो खींचते हुए चले गई। नहीं कोई चोट आई है? चोट मेरे कंधे में है और पूरे उसमें पसलियाँ दर्द कर रही है। कंडक्टर का होना नहीं है मेरा। एक ही आदमी सिंगल गाड़ी चला रहे थे तुम? हाँ सिंगल ही रहा। कहाँ से कहाँ जा रही थी? मैं मौतगाड़ से भर के लाया था हल्द्वानी के लिए। जगदीश चंद्र आर्य जिसको 12:30 बजे के करीब जिला अस्पताल के कुछ कर्मचारी तथा स्थानीय लोगों द्वारा जिला अस्पताल लाया गया। उसको हल्की चोटें लगी हुई थी। प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद में जिला अस्पताल के वार्ड में भर्ती कर दिया गया है। उसका इलाज जिला चिकित्सालय के सर्जन जो डॉक्टर हैं उनके अंडर में चल रहा है। आज उसके मुँह से जब एग्जामिन किया गया तो मुँह से अल्कोहल की स्मेल आ रही थी। तो दुर्घटना का कारण अल्कोहल हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। हेलो उत्तराखंड न्यूज़ के लिए बागेश्वर से हिमांशु गड़िया की रिपोर्ट।